अलिफ अल्लाह इंसान। कहाँ ढूंढूं इसे मैं? खैर बताए कहाँ जा सकती है, मैं देख कर आती हूँ। कहाँ चली गई थी तुम? जॉब तलाश करने गई थी। जॉब? जाहिर सी बात है, शौहर ने तलाक दे दिए और माँ बाप से ताल्लुक मैंने तोड़ दिए। अब ऐसे बेकार तो नहीं बैठ सकती ना, तो कहीं जॉब मिली? एक ऑफिस में मामूली सी जॉब मिली है, लेकिन फिलहाल वो भी मेरे लिए गनीमत है। जिमिल कल मैं वर्किंग वुमन के हॉस्टल शिफ्ट हो जाऊंगी। लेकिन क्यों? तुमने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ करती है, मैं मजीद तुम पे बोझ नहीं बनना चाहती। नाजी इन सब चीजों की बिल्कुल मिल, प्लीज मुझे मत रोकना। आज मैं सर बासित से मिली थी, ही वॉज रियली अपसेट। नाजी तुम्हारा दिल नहीं करता कि तलाक के बाद उनका गिरेबान पकड़ के पूछो उन्होंने ये सब क्यों किया? नहीं, लेकिन मैं यही पूछने गई थी। तो फिर जवाब क्या मिला? कुछ नहीं। मैं जानती थी उसके पास कहने को कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं पूछना भी नहीं चाहती थी। कमजोर बेबस बुजदिल इंसान सिर्फ जज्बाती फैसले ही कर सकते हैं, और उसने बस ये किया। जिस इंसान को मेरी मोहब्बत नहीं बिगला सकी, उस पर मेरे शिकवे या शिकायत क्या असर करेंगे? उसकी मोहब्बत एक फरेब थी, एक धोखा थी, पर मैं उसके धोखे में आ गई। बस इसी पर ही अपने दिल को मुतमईन करने की कोशिश करती हूँ। किसी का दिल तोड़ता है ना, तो फिर उसके अंदर ऐसी आग भड़कती है जो चैन नहीं लेने देती। दिल मस्जिद टा दे, मंदिर टा दे जो कुछ टहदा है, दिल न किसे दा टामी बुलिया, रब दिलों विच रहंदा है। यहां क्या लेने आ जाता है? जा जा उसके पास जिसका तूने दिल ढाया है। किस मुंह से जाऊं? और जाकर क्या कहूं? तो इस डर से तू उसके पास कभी नहीं जाएगा बेवकूफ। तो आप ही बताइए क्या करूं? यहां रहकर गीली लकड़ी की तरह सुलगने से क्या होगा? उस जैसे लोगों को मौला ने बड़े सोने और पाक दिल दिए हुए हैं, उन सोने दिलों में बड़ी मीठी और सच्ची सोचें होती हैं, बुराई उनमें नहीं ठहरती। घबराता किस बात से है?
ऊंचे ज़र्फ़ वालों की आला सर्विस। उसके अलावा तेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, चाहे तू सीढ़ी लगा कर आसमान पे चढ़ जाए। जा, जा उसके पास, जा चला जा, जा। हक, बंदा कम ही बंदा चला, भुआ विच तू रख पछा, अलिफ अल्लार इंसान। एक नन्ही परी। माशाल्लाह। चमन बेगम, इस बच्चे के आने की खुशी में एक बड़ा जश्न होना जरूरी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। ये मिठाई लीजिए उस्ताद चंदू, देखकर बताएं ये नन्ही परी इस कोठे की जीनत में कितना इजाफा करेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो फन की दुनिया में माँ से भी आगे निकलेगी। गोरा रंग, मखरूती उंगलियाँ, हाथ पाँव में लचक। अरे हम तो पालने में ही देख के बता देते हैं कि बच्ची एक नामवर फनकारा बनेगी। मतलब बेटी माँ से भी बड़ी तवाई। उस्ताद चंदू, इसका कोई अच्छा सा नाम रख ले। हूरू जैसा हुस्न लेकर पैदा हुई है, इसका नाम हूर रख लेते हैं। मुझे तो चांद की चांदनी लग रही है। ये तो इस कोठे का खूबसूरत सितारा बनेगी। मेरा ख्याल है इस बच्ची का नाम पाकीजा रख लेते हैं। हाँ भाई, बहुत खूबसूरत नाम है। सबकी आंखों में ऐसी धूल झोंकेगी कि लग पता जाएगा। ठीक है उस्ताद चंदू, पाकीजा बहुत प्यारा नाम है, यही रख लेते। हाँ जी, बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। वैसे भी इस कोठे पर पाकीजा नाम की कोई तवायफ नहीं है। बस ना हमारी बच्ची तवायफ है और ना ही वो तवायफ बनेगी। आप सब अपनी बेहुदा गुफ्तगू बंद कर दीजिए। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। अल्लाह बिस्मिल्लाह। फिर बताइए बाबा जी, कैसा लगा आपको आपका हुजरा? मैं जानता हूं आपकी शान और शौकत के मुताबिक तो नहीं, लेकिन कोशिश की है मैंने। अच्छा बताए ना, कब आ रहे हैं मेरे पास? बेटा, ये इज्जत, ये शान और शौकत, ये तख्त, ये हुस्न और जमाल, ये सब उस आला पाक जात के लिए। हम तो इंसान हैं, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में चले जाना है। इज्जत शान और शौकत हमें जेब नहीं देती, ना ही इस काबिल। ऐसे तो ना कहें बाबा जी, आप जानते हैं कितनी मोहब्बत से बनवाई है आपके लिए वो जगह। अब दिल तो ना तोड़े। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी मोहब्बत सर आंखों पर, मगर इंसान की हकीकत क्या है? इंसान की हकीकत? हाँ मियाँ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। एक पल है तो दूसरे पल नहीं। मैंने सोचा तुम्हें आज इंसान की हकीकत बता ही दूँ। देखो बेटा, अलिफ से अल्लाह, अलिफ से इंसान, और इन दोनों के दरमियान अलिफ से ही गहरा इसरार है। जानते हो इसरार किसको कहते हैं? नहीं बाबा जी। इसरार इंसान बंदगी से पाता है, और बंदगी ये है
जैसे आंखें बंद करके समंदर में छलांग लगा देना और अपने आप को मौजों के हवाले कर देना। इसी तरह बंदगी, अपने आप को अल्लाह की रजा के सुपुर्द कर देना। कैसी रजा? अल्लाह जो चाहेगा बेहतर होगा। न कोई शिकवा, न कोई गिला, ये है अल्लाह और इंसान का ताल्लुक। जब रजा के इस ताल्लुक को बंदगी की डोर से बांध लोगे तो खुद बखुद उसके असरार को पाते जाओगे और उसके इस असरार के और भी राज तुम पर खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे। तुम्हारी बर्थडे है जो इतनी अरेंजमेंट्स। गुड जॉब। तुम्हें पता है, अरे बेचारे अम्मी अब्बू को मेरी सालगिरह की डेट ही याद नहीं है, तो मैं क्या अपनी सालगिरह सेलिब्रेट करूंगा। इसलिए मैंने सोचा कि हर दिन मेरी सालगिरह का दिन होता है। वो तो ठीक है, लेकिन इतना एहतमाम किस खुशी में? बताता हूँ ना, बैठो। देखो है एक सरप्राइज। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो ना, तुम कोई मामूली इंसान भी नहीं हो, तुम्हारा ज़र्फ भी बहुत बड़ा है जिसमें तुम मुझ समेत हर इंसान की खामी को छुपा सकते हो। इसका क्या मतलब है? देखो हम सब इंसान हैं ना, खूबियों और खामियों के पुतले। गलतियां और गुनाह तो इंसान से ही होते हैं, लेकिन जीत सिर्फ उस इंसान की होती है जो खुले दिल से दूसरों को माफ कर देता है। हे, तुम्हारा मैसेज आया था, किस चीज की ट्वीट दे रहे हो? शहीर, बैठो ना यार, आओ। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। माफ कर दो ना शहीर को। शहीर, तुम भी सॉरी कहकर बात खत्म कर दो। देखो बाय गॉड, मैं नहीं जानता कि तुम दोनों का झगड़ा किस बात पर हुआ, लेकिन जो भी बात है उसे आज खत्म कर दो ना यार, हम अच्छे दोस्त हैं यार। हाँ, और दोस्ती में हमेशा प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। सॉरी कह दे मैंने। I'm sorry. It's okay. जबरदस्त, ये हुई ना बात यार। थैंक यू जमील, थैंक यू शहीर, एंड ऑफ कोर्स थैंक यू अरसलान। तुम्हें पता है बहुत भूख लग रही है और बहुत मुश्किलों से पैसे जमा करके मैंने ये केक, समोसे, पैटीज और सैंडविचेस अरेंज किए, इसलिए जो कुछ भी टेबल पर नजर आ रहा है टूट पड़ो। हुजूर, ये बादामों वाला दूध है, आपके जिस्म में दर्द है आप पीकर सो जाइए, सुबह तक आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चमन बेगम, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी हुजूर। हमने रीना बेगम को इस कोठे पर रहने की इजाजत सिर्फ आपकी वजह से दी थी। जी हुजूर, जानते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और उन्होंने भी हमसे वादा किया था कि जब उनकी फिल्म रिलीज हो जाएगी तो वो इस कोठे को छोड़कर चली जाएंगी।
और फिर फिल्म फ्लॉप होने के बाद बच्चे की पैदाइश तक का वक्त मांगा, मगर अब वक्त आ चुका है कि वो इस कोठे को छोड़कर चली जाए। हुजूर, वो बिल्कुल बेबस और बेआसरा है। नवाज़िश अली ने उन्हें छोड़ दिया, वो इस छोटी सी बच्ची को लेकर इस बेबसी के आलम में कहाँ जाएंगी? मगर हम उनका बोझ क्यों उठाएं? और फिर हमने सुना है कि वो बच्ची को भी तवायफ नहीं बनाना चाहती, तो फिर किस हैसियत से वो यहाँ रहे? आप खुद सोचे चम्मन बेगम, हम यहाँ मेहनत करके खाते हैं और वो हमारी कमाई पर ऐश करें, क्या ये ठीक है? ना वो मुलाजमा ना वो तवायफ, फिर वो क्यों है यहाँ? अगर कुछ रोज बाद हम उन्हें मुजरा करने की इजाजत दे दें? क्या? हरगिज नहीं। जो तवायफ इस कोठे को दुत्कार कर चली जाए, कोठा फिर उसे पनाह दे क्यों? अलबत्ता अगर वो यहाँ पना चाहती है तो उन्हें भी यहाँ पना एक ही सूरत में मिल सकती है, कि वो पाकीजा की किफालत इस कोठे को सौंप दे, ताकि मुस्तकबिल में पाकीजा इस कोठे की अमानत बनकर परवरिश पाए। लेकिन हजूर, वो अपनी बेटी को तवायफ नहीं बनाना चाहती। अगर उन्हें यहाँ रहना है तो उन्हें ये सौदा करना पड़ेगा, वरना हम उन्हें निकाल बाहर करेंगे। आप उनसे जाके पूछ लें हाँ कि ना, उनके पास सिर्फ कल तक का टाइम है। बाबा जी, आप आज इस वक्त सो रहे हैं, मैं आपको लेने आया हूं। आज आपको अपने नए हुजरे में शिफ्ट होना है। अरे बाबा जी उठिए ना। बाबा जी, बाबा जी, बाबू जी, बाबू जी, बाबू जी आंखें खोलिए, बाबू जी, अरे बाबू जी आंखें खोलिए, बाबू जी, बाबू जी, बाबू जी, बाबू जी आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, बाबू जी, बाबूजी मुझे छोड़ के चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दिगी थई धोतवंग तक थई त्राम तिगधा थई तत्रुम ताधा तत्रुम ताधा तत्रुम ताधा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तत तत दिगी थई। अरे हम तो पालने में ही देख के बता देते हैं कि बच्ची एक नामवर फनकारा बनेगी। मतलब
बेटी माँ से भी बड़ी तवाई। अपनी पाकीज़ा की पाकीज़गी को कोठे की गंदगी से दूर रखूंगी। अगर वो यहाँ पना चाहती हैं, तो उन्हें भी यहाँ पना एक ही सूरत में मिल सकती है कि वो पाकीज़ा की किफालत इस कोठे को सौंप दे। लेकिन हुजूर, वो अपनी बेटी को तवाइफ नहीं बनाना चाहती। अगर उन्हें यहाँ रहना है तो उन्हें ये सौदा करना पड़ेगा। कहाँ जा रही है? अपनी किस्मत बनाने। देख, हम फकीर पैदा हुए हैं, फकीर ही मरेंगे। तू मरेगी फकीरनी, मैं नहीं। ऐसे तू सोचती है। देख रानी, हम दर दर पीख मंगने वाले बंदे जरूर हैं, पर हम अपनी इज्जतों का सौदा नहीं करते हैं। अपने सिर से चादरें नहीं उतार के हम पैसे लेते। कभी कोई ऐसा काम ना करी तू, कि भिखारी भी तुझ पे थू थू करे। दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह तत् तत् दिगी दिगी थई दिगी दिगी थई दो तवंग तक थई त्राम तिगधा तिगधा थई तिगधा तिगधा थई तत्रुम 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 ताधा। बस ऐसे वो तकरीब के बाद से फिर मुलाकात कब हुई? अरे लेकिन वो जबरदस्त तकरीब थी, मजा आ गया। मजा आ गया, खाना तो बहुत ही आला था। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी फ्रेंड है नाज़िम, मेरे साथ हॉस्टल में थी। मैंने आपको बताया था ना जिसके बारे में। और नाज़िम, ये मेरी मम्मा और ये मेरे पापा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। अलीशा ने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम दोनों हॉस्टल में बहुत अच्छी दोस्त रही हो। जी बेटा, आप इसे अपना ही घर समझें। और शाहिना, ये बच्ची का जरा ख्याल रखना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। और बेटा, तुम बिल्कुल तकल्लुफ नहीं करना, अपना घर समझना। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अंदर ले जाओ। बड़ी प्यारी बच्ची है, किसी अच्छे घर की लगती है। बहुत अच्छे घर की लगती है वाकई। बच्ची एक नामवर फनकारा बनेगी। मतलब बेटी माँ से भी बड़ी सवाई। तत्रुम तत्रुम ताधा तत्रुम 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 ताधा। वैसे भी इस कोठे पर पाकीज़ा नाम की कोई तवायफ नहीं है। अगर वो यहाँ पना चाहते हैं, तो उन्हें यहाँ पना एक के वो पाकीज़ा की किफालत इस कोठे को सौंप दे। अरे ये क्या, तुमने अभी तक गन पैक नहीं किया? अलीशा, मैं ऐसे यहाँ कैसे रह सकती? मैं इस्लामाबाद क्या चली गई? तुम तो बड़ी बेवफा निकली। और नाज़ी, ये बहुत बुरी बात थी, तुम मुझे बगैर बताए हॉस्टल जाके बैठ गई। ये तो मुझे आज जिमल ने बताया तो तुम्हें अपने साथ लेकर आई हूँ मैं यहाँ घर पर। जहाँ पर ना मिली वहीं रह गई। ये तो हो ही नहीं सकता था कि तुम हॉस्टल में रहो, इसलिए तुम यहाँ पर हो मेरे साथ। तुम्हारी कजन ने मेरी बहुत मदद की है। मैंने बहुत तंग किया ना तुम लोगों को। यार ये क्या बात हुई, तुम मुझे अपना फ्रेंड भी कहती हो, मेरे साथ रहने के लिए तैयार भी नहीं हो। मुझे वहीं रहने देती तुम। मेरा इतना बड़ा घर है, तुम्हारे ऑफिस से सिर्फ 10 मिनट्स की ड्राइव पर है। तुम अब यहीं रहोगी बस, ओके? मैं तुम लोगों पे बोझ नहीं बनना चाहती। कोई बोझ नहीं, यू आर माय फ्रेंड, ओके? मैं खाना लगवाती हूँ, आ जाना फौरन। Thank you.
बाबा जी इस गांव के लिए बड़ी रहमत थे। आज इस रहमत का घना साया हम सबके सर से उठ गया। बाबा जी हम सबको तन्हा कर गए, शुक्रिया। अल्लाह आपको सबर दे, आपका और बाबा जी का साथ बड़ा गहरा था। शुक्रिया। यकीन नहीं आता बाबा जी वाकई चले गए। मैं भी अपने दिल को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सरकार आप थक गए होंगे, घर जाके आराम कर लें। नहीं बाबर, मुझे लगता है बाबा जी को अब पहले से ज्यादा मेरी जरूरत है। पहले मुझे उनकी जरूरत थी, अब उन्हें मेरी। लेकिन सरकार तुम जाओ। बाबा जी मेरी रूह में बसा आपसे मेरा रिश्ता इतना मजबूत होगा, मुझे आज पता चला। I'm sure आप नाज़नीन हैं, है ना? जी, लेकिन आप? मैं तैमूर, अलीशा का बड़ा भाई। मैं घर पे नहीं था उस दिन, जिस दिन आप आई। जी, वो मुझे जबरदस्ती ले आई थी। बहुत अच्छा किया। क्या मतलब? दोस्तों का बहुत हक होता है दोस्तों पर। तो फिर जब घर है तो आप हॉस्टल में क्यों रहे? क्या आप मेरे बारे में सब जानते हैं? नहीं, सिर्फ इतना कि आप अलीशा की बहुत क्यूट फ्रेंड है। अलीशा आपके बारे में इतनी बातें करती है कि मैं तो आपको देखते ही समझ गया था कि ये इतनी क्यूट सी लड़की नाज़नीन नहीं हो सकती है। आप इस वक्त यहाँ? वो मुझे प्यास लगी थी तो इसलिए पानी पीने आ गई। मैं भी पानी पीने ही जा रहा था, आंखों देखा तो इधर चला आया। ओ रियली? ओके, थैंक यू। सॉरी। साथ क्या है ये? प्लेग्राउंड बनाया हुआ है लंच को, स्कूल क्यों नहीं जा रहे तुम? मुझे स्कूल नहीं जाना। इधर। यू सच अ स्मार्ट स्वीट बॉय, अब मुझे ये बताओ तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे?
मुझे स्कूल नहीं अच्छा लगता, सारे बच्चे गंदे हैं, खुद खेलते हैं मगर मुझे नहीं खिलाते। स्कूल में पता करो क्या हुआ है। पता किया, बाहर जाके खेलो बेटा। पता किया था मैंने, इसकी टीचर बता रही है कि ये बहुत ही पोजेसिव है दूसरे बच्चों के मामले में, कोई से बात भी कर ले तो उसे किसी और के पास खेलने भी नहीं देता। मगर ये ऐसा क्यों कर रहा है? इसकी टीचर का ये मानना है कि ये बहुत अकेला है, घर पे कोई बच्चा नहीं है और स्कूल में कोई इसका दोस्त नहीं है। मगर इसका कोई तो हल होगा ना। कौन आया इस वक्त, कोई देखने नहीं जा रहा? कहाँ है सब? मैं देखता हूँ। कौन है बाहर? कौन है ये? अरे ये बच्चा यहाँ कौन छोड़ गया? नईम खान, नईम खान कहाँ थे तुम? तो ये क्या है, ये बच्चा कौन छोड़ के गया यहाँ? जाओ बाहर जाके देखो कौन है, देखो जाओ। जी साहब, देखता देखता साहब। ये बच्चा कहाँ से आया? पता नहीं, ऐसे मत उठाओ, वो पुलिस को बताते हैं ना, ऐसे नहीं उठाओ। हमें बहुत जरूरत थी, हो सकता है कोई गरीब आया छोड़ के आओ। सब बात तो कोई भी नहीं है सब। तुम कहाँ थे? ये तुम्हारे होते हुए गेट में कोई कैसे घुसाया? सब वो मार्केट गया था थोड़ा सौदा लेने के लिए सब। शाबाश, बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हो तुम, और चोर घुसाएंगे तो? सब ऐसा ऐसा गलती नहीं होगा सब। छोड़े ना इसे अभी। अरे चलो जाओ, अपनी आखिरी गलती समझना, ध्यान रखो। ठीक है साहब, ठीक है। मुझे तो ये बच्ची लग रही है, कितनी प्यारी है ना, है ना नवाजिश? इसे अच्छे घर की बच्ची है। ये देखो ये ब्रेसलेट, ये गोल्ड की है, ये किसी गरीब घर की नहीं है। ओके अलीशा, ऑफिस जा रही हूँ। तुम्हारी कार आ गई ऑफिस से? नहीं, वो सेकंड शिफ्ट है तो खुद जाना पड़ेगा। चलो। ओके गर्ल्स, बाय। अब तैमूर भाई, अगर आप माइंड ना करें तो नाज़िम को उसके ऑफिस छोड़ दीजिए प्लीज। हम आपके हुक्म को टाल सकते हैं? इन्हीं के लिए तो हम अमेरिका से यहाँ वापस आए हैं। खैर अब ऐसी बात भी नहीं है। या श्योर, आए प्लीज। थैंक यू, बाय। शहजादी पाकीजा, हमारी गुड़िया रानी रीना बेगम, पाकीजा कहाँ है? रीना बेगम, पाकीजा किसी के पास है? रीना बेगम कुछ तो बताएं, बच्ची कहाँ है? वो चली गई। मगर कहाँ, उसे कौन ले गया? रीना बेगम कुछ तो बताएं, पाकीजा कहाँ है? चमन बेगम, चमन बेगम, चमन बेगम, रीना बेगम कुछ तो बताएं, चमन बेगम। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हैं आप? पाकीजा नहीं मिल रही। अल्लाह, रीना बेगम बच्ची कहाँ है? उसे कोठे से कोई ले तो नहीं गया, बताइए ना।
रीना बेगम कुछ तो बताएं, पाकीज़ा कहाँ चली गई? आप ऐसा करिए, कोठे के चौकीदार को देखिए, उससे पूछिए और सारी जगह तलाश करें बच्ची को। उसे मत ढूंढिए। क्या मतलब? वो जिसकी अमानत थी उसके पास चली गई। कहीं उसे नवाजिश चली तो नहीं ले गए? आपके लिए इतना जानना काफी है। अलिफ़ अल्लाह इंसान।